हेलो गाइस, हेलो गाइस। तो हमने उठा ली गाड़ी की चाबी और हम चल रहे हैं। और ये देखिए, ये है लड़की की माँ, जो कि ऐसी लग रही है जैसे कि हल्दी में जा रही हो। ये पकड़ प्रीतिका, ये पकड़िए आप दवाई। कुछ लोग मदगिरी हमारे साथ में जाते हैं, उनके लिए दवाई ले जानी बहुत जरूरी है। अगर नहीं लेके जाएंगे तो हॉस्पिटल ले जाना पड़ता है। और जेरी ने हमारी खाना नहीं खाया है। जेरो, ओए जेरो, खाना खा लेना आज, समझ रही हो, खुद से खा लेना। आपका फोन है रितिका के पास। नानी की जिम्मेदारी रितिका की, मेरी जिम्मेदारी गाड़ी चलाने की और पैसा खर्च करने की, वो भी मेरी जिम्मेदारी। तो गाइज, अब हम निकल गए हैं और किसी ने रख दिया हमारी गाड़ी में पेपर। इस पेपर का हम क्या करेंगे हमें भी नहीं पता। रितिका जरा उठाओ, किस चीज़ का इनविटेशन है ये? श्री श्याम हेरिटेज मकान की कीमत, ओ माय गॉड, 8 लाख रुपए। मेरे पास नहीं है क्योंकि मैंने खरीद ली है गाड़ी, तो मेरे पास पैसा नहीं है। घर ले लेंगे बट यहाँ पे नहीं लेंगे। गुड। हमने सोचा है कि शादी में हम अपना चैनल कैसे प्रमोट करेंगे, हम उसकी भी स्ट्रेटेजीज करते रहते हैं साथ में। अब गाड़ी है, अब थोड़ी गाड़ी माता थोड़ा टाइम लगता है। अभी शीशे होंगे डाउन, एसी होगा, अब तो सब बढ़िया हो जाएगा। ये देखो पीछे का एसी चलाओ। अभी रुकिए, पीछे का एसी चलाते हैं, आप इधर जाइए। लो अपने हिसाब से एडजस्ट कर लो जहाँ पे है। हाँ, ठंड हो रही है गाइस, बहुत ठंड हो रही है। और पेट्रोल की खुशबू भी आ रही है, पेट्रोल की खुशबू भी आ रही है, इसलिए तो सर्दी का ब्याह करा मैंने। हाँ, जल्दी करना, पागल हो जाती हूँ, पता नहीं। अब जो भी है, अब हम चलते हैं आगे, और आगे से हमें दो लोग को और उठाना है। फिर हम चलते हैं मेरठ, क्योंकि मेरठ में हमने पिछले हफ्ते जो इन्होंने अपने लहंगे खरीदे थे वो हमें उठा के लेके आने हैं, तो इसलिए अब हम जा रहे हैं सब। और आज हम माता जी को भी लेके जा रहे हैं ताकि इनकी भी शॉपिंग करवा के खत्म करे काम, क्योंकि ये वीक लास्ट है। इसके बाद क्या हो जाएंगे, शराद शुरू हो जाएंगे, और शराद में कपड़े नहीं खरीदते हैं, कुछ नया काम नहीं करते हैं, तो वो हमारे स्टॉप लग जाएंगे और फिर हम काम नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए आज हम रितिका को भी लेके जा रहे हैं, इसका भी लहंगा खरीदवा देंगे। यस, तो दिन को यूटिलाइज करते हैं अच्छे से। आपको मिलते हैं आगे। क्या वेटिंग फॉर समवन, वो हमारी समवन आपको पता है कौन है? नहीं पागल है थोड़ी सी, तू इंतजार करवा का। तुझे 10 बजे बोल दो, तुझे 12 बजे बोल दो। मैंने तो मामी कॉल किया था, आपकी बेटी तो नहाई अब आई है। अर्जी प्लीज मेरे पे मत बोले, मैंने कॉल पे कॉल है, देख लो अब मेरा। तो कॉल पे कॉल है तो तुझे फोन नहीं करा किसी ने फिर उसके बाद में? हाँ मामी ने किया था, फिर कि बेटा वो नहा रही है, मैं हम भाई आ जाएंगे। तो ये कहा था कि 10 मिनट फिर यहाँ खड़े करो। नहीं लगे, 3 मिनट लगे। कितना झूठ है भाई, बहुत झूठी। इस टीवी है क्यों लेके आई है, क्या है टीवी क्यों आई है? आज तो वहीं रहेंगे। चलो गाइस अब चलते हैं, सब आ गए, अब इस गाड़ी में और जगह नहीं है। मैंने कहा मैं रह गई, मैं पूरी रात मैंने सपने में यही देखा, अब मैं रह गई। अब दिया सब तैयार हो रहे हैं, इतनी भीड़ है, मामी मुझे काम बता रही हूँ, काम कर ले वो काम कर ले, सब पार्लर चले गए, मैं पार्लर के लिए भी रह गई। काम करेगी तो सब गाड़ी लेके चले गए। और पता सुबह उठ के मैंने सपना बताया, मैंने कहा कह रहे देख भगवान ने तुझे पहले ही आगा दे दिया, इनके चक्कर में बिल्कुल मत रही, अपनी तैयारी खुद कर ली। मम्मी के सास ससुर कौन है? ऐसा नहीं, माजी और बाबा। अरे मैया, हम आ गए हैं और अंदर वेद हमारे आईफोन देखेगा, और उसे चाहिए फिर आईफोन एकदम, तो अंदर देखना पड़ेगा कि भाई कैसे शूट करेंगे, क्योंकि वो कर देता मुश्किल। और देखो गेट खुला ही छोड़ के जा रही है, ऐसे तो ये लोग हैं। और बंदर ने ना सुबह मेरी गाड़ी पिचका दी, यहाँ से देखना कितनी ज्यादा। ट्राई करती हूँ ऊपर हो जाएगी तो। जाते हैं अभी अंदर, फिर आपको दिखाती हूँ ऊपर से, पूरी साइड से पिचका दी मेरी गाड़ी। तुम देखी थी वीडियो? हाँ। कौन सी वीडियो देखी थी? हेलो बोलो, आप अपना नाम बताओ, क्या नाम है आपका? वेदांत। और ये कौन है? वंदिता। और वो कौन है जो पीछे बैठी हुई है? हेलो करो शिवी। मैं, देखो
और ये कौन है भाई, ये कौन है गाइज? ये जो दोनों है, ये दोनों पिछले जन्म की दोस्त हैं, बहुत अच्छी। हेलो 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 बेबी, हेलो हेलो कुल्लू, अरे हेलो कुल्लू। इस लड़की को इतना शौक है ना व्लॉग में आने का, चलो देख लो। अच्छा आप देख लो, आप व्लॉग में देख लो, व्लॉग में देख लो, हाय कर लो, हाय ऐसे कर दो, बाय कर दो, बाय। चार खा के साइड हो गई। दिया के तो पेट में वैसे भी कुछ नहीं होता है। और दीपिका जी उल्टी तो नहीं आ रही है? अब ठीक लग रहा है, अब बेटर फील हो रहा है। सर्व करो अभी, मैं ना भाभी का कलेक्शन दिखा। ओ ब्रो, दीदी भी रोज करती है काम। सब है ब्रो। रितिका कोई काला कुत्ता चाहिए हो, बकाड़ी चाहिए हो, करते हैं लंच। और ये देखो ये कर रही है मैं सर्व। अरे बस बेटा एक ही रखना, एक। मैंने कहा क्या, फिर क्या, मैंने कहा दो रख दो, कह रही हाँ चल दो, मैंने कहा क्या कह रही तीन रख दो, फिर अब रह गई चल। नो दोबारा ले लेना, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। चटनी सब थोड़ा थोड़ा तो चटनी लो, पता चलेगा स्वाद है, बहुत टेस्टी है। मैं तो कुछ प्लेट का और ये कड़ कड़ किसकी आ रही हूँ, पर मजा आ रहा है। मामी हो गई फेल, बहू बनी विजेता। गाइस भी देखना चाहेंगे जब ये कंपटीशन होगा, और मैं यहाँ पे टेस्ट करके बताऊंगी किसका अच्छा था, ठीक है? अब हलवा तो दे दे। अच्छा तुझे चाहिए क्या? दीपिका को भी तो दे। दीपिका को नहीं खिलाऊंगी, उल्टी कर देगी। नहीं मेहनत कर लेना, फेल आके वापस आओगे यहीं। मास्टर शेफ बैठे हैं अभी। भाभी तुम बताओगी तभी तो हम आगे तुम्हारी रेसिपी आगे तक करेंगे। कि तनु भाभी ने खाया था हमने, तनु भाभी ने बताया, भाभी ने कॉपी राइट ले लिया। के नाम से क्या नंबर सेव है जी? आपको फटका लगने से बच गया। तो फटका थोड़ी ना लगा, वो तो साड़ी सबने पसंद करी है, वो ब्लू साड़ी। भाई इतने की आती 2-4 हजार रुपए, 2-4 हजार रुपए थोड़ा नीचे ऊपर हो जाता है। वो वाली कब मिलेगी? वो 2-3 बाद मिलेगी, बाकी मैंने हर फंक्शन के लिए अलग अलग ले ली है। गाइस अब हम चलते हैं आगे, क्योंकि अब हमें इन्हें लहंगा दिलवाना है। अब वो लहंगा दिलवाते हैं, यहाँ से हो गया काम खत्म, अब आगे देखेंगे काम। आगे ब्लू, ब्लू वाली कौन सी साड़ी? अरे ऐसी बोल दी, हाँ वो ब्लैक, वो वाली ब्लैक। दो पीस है, बाय। इतनी शॉपिंग हो गई कि समोसे पे आ गए हम। वापी ये डिस्काउंट है हमारा आज का। गाइस ये कपड़ों में नहीं करते डिस्काउंट, इसलिए हमने खाना मंगा लिया। ये निंजा टेक्निक है ना पैसे बचाने की। ये बड़ा चेक करो, 200 रुपए। सामान देखो, जाओ सामान देखो, बताओ बताओ एक्सपीरियंस बताओ भैया। ये देखो ये शॉपिंग करके आए लोग, हम कैसे 50-50 से हो गए, अच्छा नहीं प्रीति से भी तो कुछ। भाभी को क्या पता, भाभी यूट्यूब पे आओगी आप? भाभी की सुनो भाई, भाभी पूरा बताओ ना किसकी एक्टिंग कर रही हो, क्यों कर रही हो? पहले दीपिका की, पहले दीपिका, नहीं पहले दीपिका के। अरे रुको वेदू, वेदू रुको, वीडियो चल रही है तो नंगा ही आएगा। अरे अरे देखो पजामा पहनेगा, कैसी लग रही हो? तुझे पसंद है? देख कितनी बढ़िया, फिर जाओ बदल ले।
अब रेखा दीदी का देखो नहीं पहले 50-50 बोलो ना 50-50 तो बोलो फिर आती अंदर से चेंज कर पजामा सुन लो अच्छा कैसे तुम सबका मुंह 50-50 हो रहा है किसने कही मैंने दीपिका ने अच्छा मैंने ना सुनी अच्छा 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 ठीक तुम्हारा 100 हो रहा था ना इसलिए फिर नंबर आता है बैठी रेखा नहीं उसका गुड़िया का ऐसा दिखाओ भैया ऐसा कुछ ऐसा रुको 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 फिर ऐसा तो मैडम हाँ ऐसा एक पीस पर सेल हो उनका फाइव आता है वाइट में कह रही हूँ कुछ ज्यादा कमजोर सी है कैसे अच्छा लगेगा वाइट का पहन के आती है सबसे सुंदर लगे सबसे दीपिका अच्छी हो है क्या नाम है रितिका अच्छी लग रही है गलत जगह आप बताओ ये कैसा है आप बताओ आप ट्राई करो आओ जल्दी आओ जल्दी आओ मैडम जल्दी आओ जल्दी आती है मतलब भैया एक और ला रहा रुक जा रुक जा ब्लैक वाला ले अच्छा ये वाला नहीं वो ब्लैक वाला ट्राई कर क्या ब्लैक वाला गाइस पॉपकॉर्न आ रहे हैं पॉपकॉर्न खाते हुए हम वीडियो वो करेंगे फिर है ना तब एंजॉय करेंगे जो अरे सुनीता मामी को बाद में अभी छोड़ो सुनीता मामी सुनो दे दो चुप चुप से ये लगी बढ़िया मैडम आप नीचे चलो अच्छा चल नीचे भी प्राइस टैग देखो ना प्राइस टैग देखो मैडम मम्मी तो टैग के पीछे मर गई एक बार लगा के देखो मामी आओ ये तो इंदा नहीं अच्छी लग रही बढ़िया लग रही जैसे ठीक लगे जिसमें ऐसे वो देख दलेर मेहंदी मैं तो पहले ही कह रही थी मतलब ऐसे पंख को उसमें ऐसे पंख थे भैया दो चार लेने देने के सूट और दिखा दे आओ मैडम बैठो बैठो उसने तो 11 सूट साड़ी लाइन लगा दे डालो शिवी आओ एटीएम में पैसे जा रहे हैं ठीक है बुआ ला देगी बुआ ला देगी डालो अरे वाह पैसे चले गए अब निकलेंगे नहीं एमी को बाय कर दो बाय लड्डू हाँ ठीक है बर्थडे पे ला देंगे चलो आ जाओ जल्दी रुक चुप तेरा क्या मतलब है हाँ आना है तो तेरा क्या मतलब है बाय मामी कर लो जो वो बुआ है बच्चों की एटीएम में सीधा एटीएम में अगर तू नहीं आई ना शादी में तो हम 15 के बाद आएंगे नहीं मुझे कुछ अरे हमें छोड़ के बैठो गाइस बैठो Eternity later. भाई ये बच्चा कौन आया है बाबू रितिका को मत निकालना बाहर अच्छा आ गई क्या ऋषभ तुम्हारी बहन की शादी है चलो तैयारी करो थोड़ी सी ये कमरे में ले जाके रख दो सबसे पहले भक्का ही कभी दो चार बैग उठाने पड़ जाते हैं सो गाइस वी आर बैक एट होम और हम थक गए भाई मैं तो टूट गया चूर हो गया मतलब मजाक कर दूं बहुत थक गया यार इतनी शॉपिंग करके आ सके हैं बस हम पूरे पूरे मतलब 4-5 घंटे ये तो दिखाती हूँ कि फैल के ऐसे हो रखा है
भाई यार अब ये रिव्यू करेंगे और मैं सो जाऊंगी खाना वाना खा के, बस ये होगा अब इसके बाद। चलो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में जहाँ पे हम शॉपिंग और करते हुए आपको मिलेंगे, शादी की पूरी तैयारी, और अब से जो व्लॉग आया करेंगे उनमें मोस्टली आपको शॉपिंग या शादी की तैयारियां ही हम दिखाते रहेंगे। सो स्टे ट्यून्ड, सब्सक्राइब करना ना भूले, लाइक शेयर कमेंट सब करना। बाय बाय।